मुझसे बहुत ज्यादा अच्छी हो। यार मैं तो घर में अकेली रहती हूँ ना, मेरे शौहर कहीं घुमाने लेके जाते हैं ना, कहीं आउटिंग पे ना मेरे साथ रहते हैं घर के ऊपर ना, मुझे टाइम देते हैं। ऑफिस जाते हैं रात में 3-4 बजे आते हैं यार। शक्ल कैसे? अच्छा तो क्या वो ऐसे वो मेरे पास आ जाएंगे, मेरे साथ रहेंगे? ठीक है आज से देख मैं कैसा शब्द आऊंगी उनके दिल में कि बस अभी मेरे होके रह जाएंगे, मेरे पास ही रहेंगे। अल्लाह फिर। क्या कर रही हूँ? नहीं नहीं कुछ नहीं हूँ, ऐसे मोबाइल देख रही हूँ। कौन आई? अरे सो जाए सो जाए सो जाए यार। हाँ हाँ मैं तुमसे मिलने के लिए आऊंगी, तो परेशान नहीं हूँ बिल्कुल, आऊंगी मैं। किससे बातें कर रही हो, किससे मिलने जा रही हो? अरे वो कुछ नहीं, रहती सहेली से बात करती, उससे मिलने के लिए जा रहे हैं ना, पार्टी है। आओ बैठो मैं खाना लगाती हूँ। अच्छा यार आप बैठे, मैं ना नहा कर आती हूँ, फिर हम लोग चलते हैं बाहर घूमने। अरे यार मोबाइल तो रह गया। नहाने के लिए गई, मोबाइल की क्या जरूरत है? समझ नहीं आ रहा, मामला कुछ गड़बड़ है। क्या है तुम्हें, किससे इतनी रात को बातें कर रही हो तुम? अरे कुछ नहीं मैं अपनी दोस्त से बात कर रही हूँ, वो बोर हो रही थी तो उसकी कॉल आई थी। चलिए आगे सो जाए, लाइट बंद करिए। अरे सुने आजकल आप काफी सी बड़ी जल्दी जल्दी आ रही, और आने के बाद तो पहले आप दोस्तों में चले आते थे, क्या बात है बहुत चेंज नजर आ रहा है आपके अंदर। बस यार फालतू की दोस्ती खत्म कर दी है, अब मेरा खुद ये दिल चाहता है कि यार बस अपने घर में अपनी वाइफ को टाइम दूं, ताकि जो ना सुकून से हम कहीं भी जा सके आ सके, मगर ये कि बस अब बाहर दिन लगता मेरा। चले ये तो बहुत अच्छा हो गया, देर से सही लेकिन आपको समझ तो आई। यार बहुत भूख लगी है, खाने खिला दो। अच्छा जी आप बैठो मैं अभी लेकर आती हूँ। कसम से यार तूने क्या मशवरा दिया था मुझे, मैं तो उन्हें इतना शकी कर दिया, अब वो काम से भी ना पता जल्दी घर आने लगे। और तुझे पता है हम क्या कहते हैं कि अब ये फालतू में ना लोगों के पास बैठने का भी टाइम नहीं है ना, वो रात में दोस्तों के पास भी नहीं जाते, अब वो कहते हैं कि मुझे अपने बीवी बच्चों को टाइम देना है। हाँ यार तूने बिल्कुल सही मशवरा दिया था, ठीक है यार।
यार मैं जब से काम से आया हूँ जब से देख रहा हूँ तुम मुसलसल मोबाइल के ऊपर लगी हुई हो। क्या हो गया आपको? मैं दोस्त से बातें कर रही हूँ। बहुत ज्यादा कुछ शक करना नहीं आ गया आपको? ऑफिस से आने दो इन्हें यहाँ से। ऐसा शक डालूंगी और शर्के वाला शक डालूंगी पूरी तरीके से मेरे हो गए और शक करने लगे हैं आजकल। चुपनों की आवाज मुझे मेरी दोस्त ने बताया था ना। अरे हाँ हाँ मैं आऊंगी तुमसे मिलने। वो अभी दरअसल मेरे शौहर जान ही रहे ना तो मेरा टाइम भी नहीं मिल रहा तुमसे मिलने का। पार्क में मिलेंगे ना मैं तुम्हारे साथ अभी कहीं बाइक पे आ जा सकती हूँ ना खा पी सकती हूँ और ना ही तुम्हें मैं घर पे बुला सकती हूँ। बस ज़रा ये चले जाए फिर हम लोग मिलेंगे। ओके किससे बातें कर रही हो? अरे नहीं नहीं किसी से नहीं मैं किसी दोस्त से बात कर रही हूँ। मोबाइल दो। अरे क्या हो गया? क्या मोबाइल दो इधर। क्यों तुम मैं मोबाइल क्या हो गया? मोबाइल दो जल्दी से। क्या हो गया? क्यों मैं देख रहा हूँ तुम्हें किसी न किसी से तुम बातें कर रही होती हो। इतना शक कर रहे हैं मेरे को? शक की बात है मैंने अपनी आंखों से देखा है कानों सुन रहा हूँ मैं तुम किससे बातें करती रहती हो। सुन लिया आंखों से देख लिया आंखों से तो क्या? आज तुम्हारा मोबाइल देखते ही रहूंगा वरना मैं छोड़ दूंगा तुम्हें। मुझे छोड़ोगे? छोड़ के निकाल तुम्हें घर से बाहर निकाल दूंगा। मुझे निकालोगे तो इतनी हिम्मत है तुम्हारी? मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। एक बाप की औलाद हो मार दूंगा तो देख के दिखाओ। अब मेरे बर्दाश्त से बाहर हो गया है मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। तलाक दोगे? दो तलाक दो। मैं तुम्हें तलाक देता हूँ तलाक देता हूँ तलाक देता हूँ। मैंने क्या कर दिया? मैंने क्यों अपनी दोस्त की बात में आके अपना घर बर्बाद कर दिया? क्या कर दिया मैंने? इतना शक भर दिया इनके दिल पे कि इन्होंने मुझे छोड़ दिया। इतना बड़ा गुनाह हो गया मुझसे। मुझे किसी की बातों में नहीं आना चाहिए था। मेरा अल्लाह भी मुझे माफ नहीं करेगा। क्या कर दिया मैंने ये? मुझे समझना चाहिए था इन्हें।